बहुत कम है और शायरों की फहरिस्त बहुत तवील है। हिंदुस्तान के वो चुनिंदा शायर जनाबे ताबिश रेहान, जनाबे शाहिद गौहर, जनाबे जाहिद जहाना गंजवी, ये तमाम के तमाम शोराए किराम और हमारे दिलों की धड़कन, आपके दयार का एक चमकता सितारा जनाबे दिल खैराबादी, उनके लखते जिगर जनाबे शहनवाज दिल खैराबादी, वो तमाम इन तमाम शायरों को अभी सुनना है मेरे दोस्तों। इसलिए बिला तमहीद मैं चंद अशआर से जनाब एक बड़े शायर तक पहुंचूं और उन्हें माइक पर आवाज दूं। आइए मऊनाद भंजन का एक ऐसा नुमाइंदा जो इस वक्त नाटिया डाइस की जरूरत बन चुका है मेरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो नाम मैं आपके सामने लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस शायर की बात कर रहा हूं। पहले ये शेर सुने कि आबे जमजम को अलीम भाई, आबे जमजम को कलम में पहले डाला देखिए, आबे जमजम को कलम में पहले डाला देखिए, फिर नबी की मदह में लफ्जों को ढाला देखिए, और एक प्याला दूध को 70 सहाबा ने पिया, मोजज़ा प्यारे नबी का ये निराला देखिए, और संगरेजों ने पढ़ा कलमा रसूले पाक का, लग गया था काफिरों के मुंह पे ताला देखिए, लग गया था काफिरों के मुंह पे ताला देखिए। आइए मैं जनाबे फारूक दिलकश को इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करूं कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, और ला करो ज़ईफ़ ऊंटनी बर्क जैसी चाल चल पड़ी, उसकी पुष्ट पर सवार जब आमिना का लाल हो गया। आइए एक खूबसूरत शायरी के हवाले से जनाबे फारूक दिलकश अपने खूबसूरत शायरी के हवाले से माइक पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हाजरीन कुछ सुनने सुनाने से कबल दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और हजरत अब्दुल अलीम साहब जो इस खूबसूरत महफिल के कन्वीनर हैं और हम सब इकट्ठा हुए हैं ईदगाह के चंदे के सिलसिले में, हम सब यहाँ मौजूद हैं। आइए हाजरीन एक मतला और एक शेर बतौर कथा के मैं पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं मांगता हूँ और आपका ताउन चाहता हूँ। नकीबे मुशायरा मोहतरम अकमल अदीब साहब की दुआएं और ये चार मिसरे मुलाहजा करें। कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक समीम भाई बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा और अच्छा कर दीजिए। चार मिसरे पढ़ता हूँ, करी साहब लहजा कर। अजमत नबी की देख कर अजमत 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 नबी के देख कर अजमत नबी के देख के हैरान हो गए, अजमत नबी के देख के अजमत नबी के देख के हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए, जो बुत को पूजते थे। और ये भी शेर बतौर खास लहजा फरमाए कि जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए,
अज़मा नबी के देख के कि डर दे डर दे भटक लगे थे जो कासा लिए हुए डर दे भटक लगे थे जो चार मिसरे और पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाए। आप जो है ये आने जाने वाला सिलसिला जो है काम रखिए, इंशाल्लाह नफा होगा। पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाए। दिल का इस्तेमाल करें कि जालिम जागता गे कि जालिम जागता गे कुरान छोड़ दे कबीरा कबीरा के गम रसूल का फरमान छोड़ दे कबीरा के गम रसूल का मर ना दो हमें कबूल गए मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं के दौलत ईमान छोड़ दे मुमकिन नहीं के दौलत माशाल्लाह। ये अकमल भाई 500 की नोट, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह तमाम ही हजरात के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। आइए हाजरीन चंद शेर और पेश करता हूं बतौर खास, लहजा फरमाएं। एक मतलब दो तीन शेर अकमल भाई लहजा कर। माशाल्लाह शाहनवाज गजाली साहब सुनिएगा और सुन के यहां आके बताइएगा कि शेर कैसा है। पेश करता हूं लाजा दिल भाई समाज कर कि उस जैसा कोई गम ने कि उस जैसा कोई गम ने लाचार नहीं देखा उस जैसा कोई गम ने उस जैसा कोई गम ने लाचार नहीं देखा जिसने भी मदीने को जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा जिसने भी मदीने को जिसने भी मदीने को और तारीख की रोशनी में ये भी शेर लहजा फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए कि जो को सताते थे उनकी भी आयत थी जो को सताते थे जो को सताते थे उनके आका सगसी गम ने
हंसी गम ने। और जिस मकसद से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक शेर में मनगबत का पेश करता हूँ। वाकई में शोरा हजरात की फेरिस्त बहुत तवील है, माशाल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, कह दीजिए आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह जी फारूक भाई पढ़िए आप, बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जज्बा माशाल्लाह। क्या कहना फारूक साहब, आप पढ़िए। सही बात है, पढ़ दीजिए वही कान वाला पढ़ दीजिए माशाल्लाह। भाई के आने को सलाम जी। जब मैं पीछे मुड़ के अकमल भाई देखता हूँ तो ताबिश रहन साहब भी मौजूद हैं और मुजाहिद भाई हैं, जाहिद भाई हैं, शाहिद गवर साहब हैं और दिल भाई हैं माशाल्लाह। इनको भी सफ़र करना है, मुझको भी सुबह निकलना है, बल्कि सभी शोरा कराम को सफ़र ही करना है। साजिद हया साहब जी जी, सबको निकलना है और सबको पढ़ना है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ जिस मकसद से हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। एक शेर मनकबत का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। हाजी कबजुमा साहब आपकी दुआएं चाहता हूँ, ये शेर मुलाहजा फरमाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चाहत अल्लाह कबूल कि जिसने भी मदीने को, कलाम भाई मुलाहजा करें, कि सब कुछ वो उठा लाए, कि सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में सब कुछ वो उठा लाए, सब कुछ वो सरकार की खिदमत में, अबू बकर के जैसा तो, अबू बकर के जैसा तो दिलदार नहीं देखा, अबू बकर के जैसा तो। और आखिरी शेर पढ़ के मैं, अच्छा अच्छा क्या हुआ, अच्छा अच्छा एक शेर और मनकबत का मुलाहजा करें। कि खादिम था सवारी पर, खादिम था सवारी पर, कि खादिम था सवारी पर और खुद वो चले पैदल, खादिम था सवारी पर, खाद में था सवारी पर और खुद तो चले पड़े, दुनिया ने उमै जैसा, दुनिया ने उमै जैसा सरदार जिसने भी मदीने को। माशाल्लाह, ये थे बड़े भाई माशाल्लाह। ये इस पे तो नारा बनता है, नारा लगाइए, नारे तकबीर। बहुत कमजोर पड़ रहे हैं आप, एक बार बुलंद आवाज में नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर उलमाए किराम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह दीनों को कबूल फरमाए। हाजी सोहेल अहमद प्रधान साहब यहाँ मौजूद हैं, हाजी अब्दुल वाहिद साहब, हाजी इम्तियाज अहमद साहब और अब्दुल बासी साहब। नाम बता दीजिए। नाम नहीं मालूम। अच्छा अच्छा ठीक है जी जी, बंदे खुदा की तरफ से है, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए।
आइए, एक भाई ने 500 रुपए का नोट दिया अकबर भाई और तीन शेर उन्होंने हुक्म कर दिया, मैं पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए रमजान के बाद बाबू आदमी मीडिया यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा मामला बड़ा अजीब हो जाता है, दो तीन चार प्रोग्राम की जब तक कुर्बानी नहीं देता हूँ आवाज जो है खुलती उलती नहीं है, सब जानते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये होता है, किसी के साथ नहीं होता है लेकिन मेरे साथ बहुत ज्यादा हो जाता है, ये अल्लाह की मसलहत है, कोई राज होगा पेश करता हूँ यहाँ से मतलब मुलाजा फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे कदमों से जो लिपटा गए रसूल अरबी। कहना भाई फारूक साहब जिंदाबाद। कि तेरे कदमों से जो लिपटा गए रसूल अरबी, तेरे कदमों से जो लिपटा गए रसूल अरबी, अरे उसकी रसूले अरबी, उसकी ठोकरी में जमाना है रसूले अरबी। अकबर भाई कि कोई चेहरा नहीं, चेहरा फारूक साहब बहुत उम्दा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये थे फारूक दिलकश साहब।